हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन आपका जो नया प्रोडक्शन हाउस है उसके लिए. थैंक यू. थोड़ा सा बताइए प्रोडक्शन हाउस के बारे में कि कैसे स्टार्ट किया आप लोगों ने और किसके साथ कोलैबोरेट किया है इस बार. देखो सुहास पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड से हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी. पहला प्रोजेक्ट हमारा वेब सीरीज का है और हम काफ़ी एक्साइटेड है वेब सीरीज करने के लिए, क्योंकि ये बेस्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ बॉम्बे का बेस्ड है, गोवा पे बेस्ड है और नाम इसका है OMG जो है ओ माय गोवा. ठीक है. और हम प्लान कर रहे हैं ये गोवा में शूट करने के लिए 25th से. अब इसके पीछे स्टोरी ये है कि गोवा में कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ एक्साइटिंग होता है, तो उसके ऊपर बेस्ड है और काफ़ी अच्छा कॉमेडी सस्पेंस है. ओके okay. लेकिन गोवा ही क्यों चुना आपने? क्या गोवा का कोई एक्सपीरियंस हुआ था आपके साथ या फिर कोई और? बेसिकली मैं गोवा में रह चुका हूँ और okay. मैं गोवा में देख चुका हूँ और काफ़ी एक्सपीरियंस दूसरों के साथ देखा, खुद के साथ भी हुआ है, तो इसके लिए गोवा के ऊपर काफ़ी अच्छी स्टोरी तैयार की है हमने. वैसे तो बहुत सारे इंसिडेंट हुए होंगे, ऐसा कोई एक इंसिडेंट जो आप यहाँ पे शेयर करना चाहें? बेसिकली कैसा है कि मैं एक फ्रेंड के साथ हो गया था कि दोनों काफ़ी परेशान थे ब्रेकअप के बाद और सब उन्होंने काफ़ी पीवी लिया था और दूसरे दिन दोनों ने शादी कर लिया पीने में. ओके okay. और अगर हम इस वेब सीरीज की बात करें, कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सो इसमें कास्टिंग कैसे होने वाली है? क्या नॉन कोई चेहरा देखने मिलने वाला है या फिर नए टैलेंट को आप? देखो बिल्कुल नॉन चेहरा देखने मिलेगा, कुछ नॉन चेहरे है इसमें. इसके अलावा फ्रेशर्स भी है इसमें जो वर्क कर रहे हैं और काफ़ी टैलेंटेड फ्रेशर्स है और थोड़े स्पॉट्स बाकी भी है जिसको हम कास्ट करने वाले हैं. ओके इसके अलावा अगर वेब सीरीज की बात करें उसका शूट कहाँ कहाँ, सिर्फ गोवा में होगा या फिर कुछ पार्ट यहाँ पे भी शूट करना? नहीं मेरे हिसाब से तो पूरा वेब सीरीज गोवा में ही शूट करने वाले हैं हम और काफ़ी एक्साइटेड है इसको इस चीज़ को लेके और स्टोरी पे अभी भी वर्क कर रहे हैं थोड़े पार्ट्स में हम. ओके आपकी कास्टिंग एजेंसी भी है कास्टिंग बड़ी करके, तो कितना ईजी और डिफिकल्ट था आपके लिए इस फिल्म की कास्टिंग करना? देखो जब खुद का ये रहता है तो कास्टिंग डिफिकल्टी हो जाती है कि हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्शन में बेस्ट एक्टर्स वर्क करें और अच्छे टैलेंट्स देख रहे हैं जो कैपेबल है उनको ही हम हायर कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं इस पर. वैसे तो हमने कास्टिंग बड़ी के थ्रू काफ़ी 4,000 से 4,500 ऑलरेडी आर्टिस्ट कास्ट कर चुके हैं और इसके लिए भी हमने ढूंढ ढूंढ के निकाला क्योंकि कैरेक्टर्स मैच होना चाहिए. और जैसे आपने कहा कि कुछ यूथ की कहानी है ये, तो यूथ में मतलब ऐसा कोई एक्टर है जिसे आप ध्यान में रखिए? मतलब नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है कि यूथ की कॉम्बिनेशन है, काफ़ी लड़के लड़कियां हैं इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स में है, तो आप देखोगे तो आपको बहुत काफ़ी मज़ा आएगा मेरे हिसाब से. तो कितने एपिसोड होंगे और देखो हम रिलीज की जाएगी? हम 6 से 7 एपिसोड देख रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली ये अगस्त या सितंबर के टाइम पे रिलीज होगा क्योंकि हमको पोस्ट प्रोडक्शन में भी एंड में काफ़ी काम करना है उस पर और वर्क करना है कि देखना है कि आउटपुट अच्छा हो. ओके अगर इस प्रोडक्शन हाउस की बात करें आगे और क्या क्या इसके साथ आप एक्सप्लोर करने वाले? देखो ये प्रोडक्शन का हमने सीरियल्स भी ऑलरेडी प्लान किया है, राइटर्स से मिल रहे हैं और हमारा टीम डिस्कस कर रहा है इसके बारे में कि कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, तो अकॉर्डिंगली हम वो भी डेट फिक्स करके फिर वर्क स्टार्ट कर देंगे. ओके ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो आपने सोचा हो कि यहाँ पे हम क्या लाना चाहते थे और हम वर्क कर रहे हैं और चाहते हैं कि बेस्ट आउटपुट है इस पर? बस ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनर है जो जिसको आप इन फ्यूचर एक्सप्लोर करना चाहें? हालांकि ये तो कॉमेडी एंड सस्पेंस है, इसके अलावा बिल्कुल बिल्कुल हम डिफरेंट डिफरेंट जेनरे में हम वर्क करना चाहेंगे, अलग अलग वेब सीरीज पे वर्क करना चाहेंगे. खाली सस्पेंस या कॉमेडी नहीं है, हम थ्रिलर पे भी वर्क करेंगे, हॉरर पे भी वर्क करेंगे और हमारे पास ऐसा है कि काफ़ी कॉन्सेप्ट आ रहे भी है तो हम ज़रूर फाइनल करके कुछ ना कुछ चीज़ पे वर्क करना चालू करेंगे और न्यू टैलेंट्स को भी इसी के साथ चांस भी देंगे प्लस जो नॉन आर्टिस्ट है उनके साथ भी वर्क करना चाहेंगे. ओके अभी जो OTT प्लेटफॉर्म है 2 साल में बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज आई है, ऐसी कोई बेस्ट वेब सीरीज है जो आपको याद हो अगर कुछ मेंशन करना चाहे आप? नहीं ऐसे तो काफ़ी सारे हैं और ये तो शुरू हुआ था बेसिकली वेब सीरीज का ट्रेंड तो गेम ऑफ थ्रोन्स है जो काफ़ी बड़ा है, तो अगर ऊपर वाले का साथ है तो हम वो लेवल पे भी पहुंच जाएंगे करते करते. ओके लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? डेफिनेटली कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसे देखो और एंजॉय करो. थैंक यू सो मच.